प्रगति क्या हुआ, आपने इतनी इतनी जल्दी में क्यों बुलाया? दादी को आने दो, बताती हूँ। दादी कहाँ है, आई नहीं अभी तक? हाँ उन्हें बुलाया तो था, पर एक दिन ये लोग मेरी जान लेके छोड़ेंगे। इस उम्र में इतना भगा रहे मुझे। अरे दादी आप ठीक तो है ना? मुझे देखकर तुझे लगता है मैं ठीक हूँ? पूरा इसे बता दो, अब इस उम्र में मैं इतना नहीं भाग सकती। तो आपको भागने की क्या जरूरत थी, आप आराम से भी तो आ सकती थी। इसका SMS पढ़ के कोई आराम से कैसे आ सकता है? हाँ दी, दादी बिल्कुल ठीक कह रही है। आपका मैसेज पढ़ के तो मुझे भी लगा एकदम कोई ना कोई इमरजेंसी है, आप किसी बड़ी प्रॉब्लम में तो नहीं? अब बता कौन सी इमरजेंसी लग गई, हुआ क्या है? अभी ने कुछ कहा? कहीं तनु ने तो कुछ नहीं कहा? माँ के बारे में सोच रही है ना कि माँ को अपना सच बता दूं। कहीं वो आदमी तो नहीं मिल गया जिसको आप ढूंढ रही थी? तो फिर क्या हुआ है, पहेलियां क्यों बुझवा रही हूँ, बताना। पहले आप प्रॉमिस कीजिए आप डांटेंगी नहीं। अब तू अपनी बहन ना बुलबुल जैसे बातें करती है। दादी मुझे ऐसा लगता है इनसे ना कोई बहुत बड़ी गलती हो गई और ये उनको छुपाना चाहती, तभी बता नहीं रही। क्या किया तूने? फोन कर दिया। किसको फोन कर दिया? तनु को। ये क्या किया तूने? आपने उसको फोन करके ब्लैकमेल किया। तुम ही नहीं तो कहा था ना कि बाहर का बंदा फोन करेगा ब्लैकमेलिंग के लिए। दादी आपने वादा किया था कि आप मुझे डांटेंगी नहीं। पूरब मैंने कोई प्रॉमिस किया? नहीं दादी आपने कोई प्रॉमिस नहीं किया और ना ही मैंने कोई प्रॉमिस किया। दादी मुझे लगता है इन्होंने ना ये सब पहले ही प्लान किया होता, क्योंकि ये नहीं चाहती थी कि हमारी जान खतरे में आए, क्योंकि जो भी फोन करता उसको उसकी जान रिस्क में आ जाती है, और तभी इन्होंने खुद फोन करके अपनी जान को रिस्क में डाल दिया। सच कह रहा तू, अब ये पूरा प्लान कैंसिल, कोई किसी को ब्लैकमेलिंग नहीं करेगा। आप लोग मेरी बात तो सुनिए, मैंने जानबूझकर कॉल नहीं किया। वो फोन जो है ना वो खुद अपने आप हो जाता है ना? नहीं दादी हालात ही कुछ ऐसे थे कि मुझे फोन करना पड़ा। क्या हालात हो गए थे? हाँ क्या अभी ने ये कहा कि मैं आज ही तनु से शादी करूँगा, ये हालात हो गए थे? नहीं दादी, लेकिन तनु इनसे हमारे डिवोर्स के बारे में बात करने जा रही थी, और अगर एक बार तनु ने इन्हें डिवोर्स के लिए भड़का दिया होता तो ये मेरे पीछे पड़ जाते और मैं इनकी बातों में उलझ जाती, फिर मुझे कोई भी प्लानिंग करने का कोई वक्त ही नहीं मिलता। इसलिए तनु को रोकने के लिए मुझे वो कॉल करना पड़ा। दादी मैं जानती हूँ कि जल्दबाजी में मैं गलती कर बैठी हूँ, लेकिन और कोई रास्ता ही नहीं था तनु को रोकने का। और दादी मैं सच कह रही हूँ, इसका हमें फायदा ही हुआ है। उस फोन कॉल के बाद तनु बहुत घबरा गई और ऐसे में कभी जाकर इनसे डिवोर्स वाली बात करेगी ही नहीं। और मैंने डिसाइड कर लिया है, उसकी असलियत मैं आज ही सामने लाकर रहूंगी। अभी तुमने मुझे बुलाया क्या? कहीं फिर से आज बाहर ले जाने का मन तो नहीं? कल तुम मुझे लेके गए थे, आज मैं तुम्हें डिनर पे लेके जाती हूँ। और हाँ पैसों की चिंता मत करना, क्योंकि वो मैं बुक कर लूंगी। आज मैं तुम्हें ऐसी जगह ले जाती हूँ जहाँ सिर्फ हम दोनों होंगे, और तुमने वो जगह कभी देखी भी नहीं होगी। क्या हुआ अभी, तुम इतने परेशान क्यों? मैं कुछ सोच रहा था। क्या सोच रहे थे? तुम बोलती रहती हो ना कि शादी कब होगी शादी कब होगी, इसलिए मैंने फैसला ले लिया। क्या फैसला लिया? मैं आज ही तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। आज क्या इसी वक्त कोर्ट में तुम करोगे ना? क्या आज ही? वो भी कोर्ट मैरिज? हाँ क्यों, इतनी हैरान क्यों हो रही हो तुम? अब तक तो तुम बोलती आ रही हो कि शादी कब होगी, तुम्हारे पेट में जो बच्चा है उसे मेरा नाम कब मिलेगा, तो अब जब ये सब कुछ होने जा रहा है तो तुम चौंक क्यों रही हो? हाँ अभी मैं यही चाहती हूँ, लेकिन तुमने ऐसे अचानक बोला तो मुझे यकीन नहीं हो रहा। Oh my God. Okay, तो तुमने दादी से परमिशन ले ली? और विटनेस, कोर्ट में तो विटनेस चाहिए होंगे ना, वो कौन होगा, क्या कैसे होगा, तुमने सब कुछ सोच लिया? अभी प्लीज ये सब कुछ सोच लेना, वरना वरना प्रज्ञा को फिर से मौका मिल जाएगा ये कहने का कि शादी नहीं हुई है। विटनेस है मेरे पास, बाहर आ जाओ, कम 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 आउट। ये बनेगी विटनेस। तुम मजाक तो नहीं कर रहे? ये विटनेस बनेगी। अभी ये तो चाहती नहीं कि हमारी शादी हो, ये तो कोर्ट में जाएगी तो और काम बिगाड़ देगी। ऐसा क्यों करेगी?
क्योंकि ये नहीं चाहती कि हमारी शादी हो। देखो तनु, ये ऐसा कुछ नहीं करेगी। क्यों करेगी ऐसा? तुम्हारे पेट में मेरा बच्चा है और पहली शादी के लिए भी इसी ने तो मुझे फोर्स किया था, तो आप क्यों नहीं करेगी? अभी वो सब कुछ मुझे नहीं पता। इसी ने कहा था ना कि शादी के बाद तुम्हारी फीमेल फैन फॉलोइंग कम हो जाएगी, तो और इसके बिजनेस पे भी असर पड़ेगा, तो इसीलिए ये नहीं चाहती। मुझे ऐसे क्यों देख रहा अभी? पक्का और कोई वजह नहीं है? मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूं। दिया है तुमने मुझे। ये सब क्या है अभी? मुझे तुम क्या बोल रहे हो? मुझे मुझे कुछ समझ। ये मेरा दोस्त है ना, निखिल? हाँ कि नहीं? तो क्या क्या रिश्ता है तुम्हारा इसके साथ? रिश्ता? अभी ये सिर्फ मेरा दोस्त है। झूठ झूठ बोल रही हो तुम। तुम दोनों का वो रिश्ता है जो अब हम दोनों का कभी नहीं हो सकता। हमारे पेट में जो बच्चा वो भी निखिल का ही है ना? तुम क्या बोल रहे अभी? मैं जरूर तुम्हारे किसी ने कान भरे होंगे, वरना तुम ऐसे सोच ही नहीं सकते। ये इस प्रज्ञा ने तुम्हें भड़काया ना, बोलो। अरे बेचारी को तो कुछ पता भी नहीं था, मैंने इसे सब कुछ बताया, और तुम जानना नहीं चाहोगे कि मुझे कहां से पता चला? तुम्हारे बिल्डिंग के वॉचमैन ने मुझे फोन करके सब कुछ बताया। इसके बाद मैं गया था निखिल के पास, निखिल ने भी मुझे सारा सच बता दिया। कितनी घटिया औरत हो तुम, कितनी बेशर्म हो। प्यार किसी और से, शादी किसी और से, और बच्चा किसी और का। अरे मुझे इतना बड़ा धोखा देने से पहले एक एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा। तुम्हारा झूठ, तुम्हारा धोखा तुम्हारे चेहरे पर नजर नहीं आता था, लेकिन किसी और के चेहरे पर उनकी सच्चाई नजर आती थी, जिसे मैंने नजरअंदाज कर दिया। क्यों? क्योंकि मुझे तो सच के रास्ते पर चलना था, और सच के रास्ते पर चलने के लिए मैंने अपने प्यार की कुर्बानी दी। कितना बड़ा नाटक किया तुमने मेरे साथ। तुम मुझसे कहती रही कि तुम्हारे पेट में जो बच्चा है वो मेरा है, और मैंने उसे मान भी लिया बिना कुछ पूछे। क्या 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 कहा था तुमने? तुम मेरे साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहती हो ना? तो सुनो, मैं तुम्हारे साथ एक पल नहीं बिता सकता। नहीं अभी, प्लीज प्लीज मेरी बात सुनो। मैं Shut up. Get out. अभी मेरी बात तो सुनो। अभी प्लीज मुझे माफ कर दो। तुम्हें माफी नहीं, अब सजा मिलेगी। अभी नहीं प्लीज। दादी, ना मत हो दादी का। जिन लोगों ने तुम्हें इस घर में रखा था, तुमने उन लोगों को इतना बड़ा धोखा दिया। अभी मैं होश में नहीं थी, प्लीज मुझे माफ। तुम होश में नहीं थी, लेकिन मैं तो होश में था ना, इसलिए तुम लोगों की असलियत मेरे सामने आ रही है। अब मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अभी एक गलती की थी, बड़ी सजा मत दो, प्लीज माफ कर। अगर तुमने अपनी इस गलती के बारे में मुझे पहले बताया होता ना, तो शायद मैं तुम्हें माफ कर देता, लेकिन तुमने अपनी इस गलती को मुझ पर ढकेलने की कोशिश की ना, उसके लिए मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। I will finish you. अभी एक बार मेरी बात सुनो। थैंक गॉड ये सपना था, सिर्फ एक सपना, पर कितना हॉरिबल था। मेरी तो जान ही निकल गई थी। मैंने पहले कहा था कि मुझे इंट्यूशन आ रहा है, मैंने कहा भी था कि आजकल मेरे बुरे सपने सच हो रहे हैं, तो ये सपना भी सच हो गया तो नहीं, ये नहीं हो सकता, ये सब सच नहीं होना चाहिए। पर तनु, इससे पहले कि सारे सपने तुम्हारे सच हुए, मतलब तुम्हारा सच भी अभी के सामने आ जाएगा। नहीं नहीं, ये मैं नहीं होने दूंगी, किसी भी हाल में नहीं होने दूंगी मैं। किसका फोन है? कहीं उसी ब्लैकमेलर का फोन तो नहीं है? रहने दो, नहीं उठाती।
नहीं नहीं, कहीं अगर इसने अभी को फोन कर दिया तो। हेलो, अभी तक सो रही? हम आपको इतना बड़ा बात बताएं और आपका नींद नहीं उड़ा अब तक? चाहते क्या हो तुम? अरे आप भूल गई, गांव में प्रॉब्लम है, 10 लाख रुपया चाहिए, सब याद दिलाना पड़ेगा। ठीक है, मैं तुम्हें पैसे देने के लिए तैयार हूँ, तुम मुझे बताओ कब और कहाँ मिलना है। आज ही दे दीजिए। क्या तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? 10 लाख रुपए मैं आज कहाँ से लाऊंगी? वो हमको पता होता तो हम खुद जाकर नहीं ले आते। कीजिए जो करना है। अगर आप देर करेंगी तो देखिए फिर हमको सर के पास जाना पड़ेगा, वो दे देंगे हमको 20 लाख रुपए। नहीं नहीं, तुम उन्हें फोन मत करना, मैं दूंगी तुम्हें। ओके, देखिए हम आपको एक और नंबर से मैसेज करेंगे, उस एड्रेस पे आप आ जाइएगा। और सुनिए, पैसा लाइएगा साथ में, किसी और को नहीं। फंस गई पूरी तरह। बस अब कोई ऐसी जगह ढूंढनी होगी जो सेफ हो और जहां से तनु बच कर ना निकल पाए। निखिल से चेक करना पड़ेगा, कहीं ये मजाक वही तो नहीं कर रहा। सब स्वीरार, ये क्या मजाक है निखिल? I know ये फोन तुम्हीं ने मुझे करवाया, but let me tell you one thing, this is not funny. तुम्हें क्या मजा आ रहा है मुझे परेशान करने में? एक सेकंड तनु, कौन सा कॉल, किस कॉल के बारे में मैं क्यों करवाऊंगा कोई कॉल? मतलब ये फोन तुमने नहीं करवाया? नहीं। Are you sure? Yes, I'm sure, तनु. और अगर तुम चाहो तो मैं अपने होने वाले बच्चे की कसम खा सकता। नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं, मैं सिर्फ चेक कर रही थी। अब तुम रिलैक्स होके मुझे ये बताओ कि क्या हुआ, किसका फोन आया तुम्हें? निखिल, मुझे एक अननोन नंबर से फोन आया और वो मुझे कह रहा था कि I really don't understand. क्यों कोई तुम्हें फोन करेगा? मेरे ख्याल से कोई मजाक कर रहा है तुम्हारे साथ। लेकिन अगर कोई मेरे साथ मजाक भी कर रहा है ना, तो उसे मजाक में मेरा सच कैसे पता चला? और मजाक में उसे 10 लाख रुपए कैसे मांग लिए मुझसे? हो सकता है उसे वाकई में मेरा सच पता होगा। You know what? उसने मुझे धमकी दी कि अगर मैंने उसे पैसे नहीं दिए तो वो अभी को जाके सारा सच बता देगा। You know, मैंने इस बारे में सपना भी देखा निखिल, तुम्हें पता है कि आजकल मेरे सारे सपने सच होते हैं। तो मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे पैसे चाहिए और मैं आज ही मामला खत्म कर देना चाहती हूँ बस। अरे मैं कहाँ से लाऊंगा 10 लाख रुपए? वो मुझे नहीं पता, मुझे पैसे चाहिए बस। तनु स्टॉप इट, ये बंदा जो तुमसे पैसे मांग रहा है, are you sure कि उसके पास सारे सबूत है? और अगर सिर्फ शक पर ये ब्लैकमेलिंग हो रही है तो फिर अगर तुमने उसे पैसे दे दिए तो जिंदगी भर वो तुम्हें ब्लैकमेल करता रहेगा। निखिल, तुम भी तो यकीन के साथ नहीं बोल सकते ना कि वो मजाक कर रहा है। हो सकता है उसे सच में सच पता हो और उसे अगर उसने कहीं जाके अभी को सारे सच बता दिए सबूत के साथ, तो मैं क्या करूंगी? कुछ भी करके मुझे 10 लाख रुपए चाहिए, मतलब चाहिए। मैं तुमसे 8 बजे अभी के ऑफिस के पीछे जो गोडाउन है वहाँ पे मिलूंगी। तनु मेरी बात सुनो, मैं इतने पैसे नहीं ला सकता। मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे पैसे चाहिए बस। तनु मेरी तनु रॉनी, देखा मैंने कहा था ना कि हम लोग जरूर जीतेंगे, सुना तुमने? ये तनु किसी से 10 लाख रुपए मांग रही थी। हो ना हो ये शख्स वही है जो हर कदम पर आलिया की मदद कर रहा था। यस भाभी जी, यू आर राइट एंड यू आर जीनियस, जो कहा वो कर दिखाया। आखिर ढूंढ लिया ना उस परछाई को जो हमारे पीछे थी, लेकिन नजर ही नहीं आ रही थी कि वो परछाई थी किसकी। चलो जाकर प्रज्ञा दी को बताते हैं, अब वो उसे खुद सजा देंगी। नहीं, अभी हम प्रज्ञा को कुछ नहीं बताएंगे। लेकिन क्यों? क्योंकि हम खुद उस शख्स को जाकर पकड़ेंगे ना और उसे प्रज्ञा के सामने लाकर खड़ा कर देंगे, तभी तो हमें बड़ा इनाम मिलेगा। इनाम मतलब? नहीं नहीं, इनाम नहीं, बड़ी शाबाशी मिलेगी, बड़ी शाबाशी। बस इस तनु पर हमें नजर रखनी होगी। आज उस शख्स को रंगे हाथों पकड़ लूंगी और फिर सबके सामने लाकर खड़ा कर दूंगी। फिर इस घर में मेरी बहुत इज्जत होगी, फूलों से स्वागत करेंगे सब लोग मेरा। और प्रज्ञा, प्रज्ञा, प्रज्ञा वो तो खुशी के मारे पागल हो जाएगी, मुझ पर कोई रोक टोक नहीं रखेगी।
उल्टा उल्टा मुझे बहुत बड़ा इनाम देगी। इतना बड़ा इनाम कि उन पैसों से मैं बहुत सारी शॉपिंग करूंगी। इतनी सारी शॉपिंग कि मम्मी जी मेरे आगे पीछे घूमेंगी, फिर मैं मम्मी जी पर हुक्म चलाऊंगी। मम्मी जी मेरा ये काम कीजिए, मम्मी जी मेरा वो काम कीजिए। अरे मिताली मेरा वॉलेट देना मुझे। क्या कर रहे हो? खाली पुलाव जरा मत खाया करो, वरना पेट भी गड़बड़ होगा साथ में दिमाग भी। ये ख्याली पुलाव नहीं है, आप देखना इस बार मेरा सपना सच होने वाला है। कौन से सपने भाई? महारानी बन करके पूरे घर में घूमने वाले। हाँ? आपको कैसे पता चला? चेहरे पे लिखा हुआ तुम्हारे। खैर अभी ये सब बातें छोड़ो, मेरा वॉलेट, हाँ वॉलेट ढूंढ कर दो, वरना सपने से जागने के लिए मैं वापस। नहीं नहीं कर रही हूँ, ये लो। आज पता है, आज के बाद मेरी किस्मत बदलने वाली है, सब लोग मुझे बहुत इज्जत देंगे। क्यों, ऐसा क्या होने वाला है? किसी से दिमाग लीज पर लेने वाले हो क्या? नहीं, बस मैं उस शख्स को पकड़ने वाली हूँ जो आलिया की मदद कर रहा था। क्या हुआ आपको? और पानी लोगे? आपको झटका क्यों लगा? झटका तो उस शख्स को लगना चाहिए ना जिसने हमारी पूरी फैमिली को झटके में रखा हुआ इतने दिनों से। तुम उस इंसान को पकड़ने जा रही हो जो आलिया का साथी है? कैसे? नहीं नहीं वो मैं आपको नहीं बता सकती, वो मेरे जासूसी के नियमों के खिलाफ है। जब तक केस सॉल्व नहीं हो जाता ना, किसी से कुछ नहीं कहना। तो तुम अपने पति को भी नहीं बताओगी? पति को ना थोड़ा बता सकती, बहुत ज्यादा नहीं। इतना बता सकती हूँ कि आज मैं उस शख्स को पकड़ने जा रही हूँ जो तनु को 10 लाख रुपए देने वाला है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तुम्हें कैसे पता कि वो इंसान वही है? बोला ना, इससे ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगी मैं। पता नहीं, सब लफड़ों में मत फंसो वरना किसी प्रॉब्लम में आ जाओगी, कोई भी बचाने नहीं आएगा वहाँ पे तुम्हें। मैं किसी भी मुसीबत में नहीं फंसने वाली। मुसीबत में तो अब वो शख्स है जो तनु को 10 लाख रुपए देने आ रहा है। आई बात समझ में? यार एक मिताली है और एक तनु है, तनु किससे मिलने जा रही है, 10 लाख लेके कौन आ रहा है? मुझे क्या करना है? जब मुझे नहीं बताया तो फिर फंसे जिसमें। थैंक यू भगवान जी, ऐसे ही मेरा साथ देते रहिए। आज तनु पकड़ी जाएगी और फिर उसकी असलियत इनके सामने आ जाएगी, फिर ये कभी मुझसे अलग नहीं होंगे। कहाँ कही वो फाइल? वैसे उस सॉन्ग का थॉट अच्छा है पर लिरिक्स पे थोड़ा काम करना पड़ेगा। मिल गई। पिल्लो और गद्दा मिल गया है, ब्लैंकेट भी दे दो। आप हैं यहाँ? मुझे लगा मैं सपना देख रही हूँ। उठ। सपना देख रही हो? मेरे भाने उल्लू बना रही हो मुझे। मुझे पता है तुमने ये जानबूझकर किया। जानबूझकर क्यों करूंगी? क्योंकि तुम नहीं चाहती कि मैं तुम्हारी यादों को भुला दूँ ना, दैट्स व्हाई। मैंने कुछ करने से रोका है कभी आपको? तुम तो यही चाहती हो ना कि मैं अपने यादों के सारे उल्लू की तरह उल्टा लटका रहूं। आप अकेले तो नहीं लटके हुए ना यादों के साथ? वैसे भी मेरे चाहने से कुछ होता तो बहुत पहले हो चुका होता। रहने दे अभी, और कुछ बोलेगा ना तो तू ही इमोशंस में फंस जाएगा। अब बोलो, ये भी तुमने जानबूझ के नहीं किया? मैं
ए, क्या करियो? दोबारा करना पड़ेगा। कोई जरूरत नहीं है, हो गया तो हो गया, उसे चेंज करने की जरूरत नहीं। अगर तनु का राज इनके सामने ही खोले तो उसका सच इनके सामने आ जाएगा और मुझे इन्हें कुछ समझाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप आज शाम को क्या कर रहे हैं? आज शाम को पता नहीं, लेकिन इतना पता है जो भी कर रहा हूँ तुम्हारे साथ नहीं कर रहा हूँ। ओके, मतलब आप मेरे साथ ही? शायद तुमने ठीक से सुना नहीं। लेकिन आपने तो ठीक से सुन लिया ना, मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाने वाला। मेरे साथ कहीं नहीं जाना? मैं आपको जगह और वक्त मैसेज कर दूंगी, आप वहाँ पहुँच जाइएगा। एक आखिरी बार मेरी बात मान लीजिए, आपका ही फायदा होगा, और अगर आप नहीं आए तो जिंदगी भर पछताएंगे। मुझे पता है आप मुझसे प्यार करते हैं, इसलिए आप जरूर आएंगे, और अगर आज आप आ गए तो फिर कभी मुझसे दूर नहीं जाएंगे।